डुप्लीकेसी ज्यादा है, वो अपन गौशाला में छोड़ दिया। उसके बाद में भी फिर इसने कई दिन तक निकाला। अब जिसके चाहे न्याणा लगाओ, चाहे ना लगाओ, चाहे कुछ करो, 30% का फर्क है। वो भी जानने वाले बता सकते हैं, थार पार करो और हरियाणा में फर्क। हरियाणा में फर्क, हाँ जी भाई साहब। बाकी सब ना दवाई बात है, सारी देसी। हाँ नमस्कार दोस्तों, सीड ऑफ लाइफ एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है भाई। दोस्तों आज एक बार वीडियो बनाने का मौका मिला भाई धीरज भाई के यहाँ, और सबसे भाई जो मैंने काफी सुना भाई, काफी वायरल रही है अपना सोशल मीडिया पे गौ माता। आज वो गौ माता भाई सेल के लिए है और धीरज भाई के घर पे है वो गौ माता। सारी डिटेल उस भाई से लेंगे, और सुंदरता में भी काफी अच्छी गौ माता भाई, आप कैमरे के सामने देख रखे हो, देखते हो भाई, एक अच्छी हम्प क्वालिटी के साथ गौ माता है। और भाई दोस्तों ब्यात की सारी डिटेल भाई से लेंगे, और भाई को बोलेंगे भी गौ माता को थोड़ा सा चला के दिखाए, सारी जानकारी लेंगे। धीरज भाई राम राम। राम राम भाई साहब, नमस्कार, जय गौ माता की। स्वागत है भाई साहब आपका अपने विश्वास काउ ब्रीडिंग फार्म गांव बुड्ढा खेड़ा लाटर। बिल्कुल भाई साहब, धन्यवाद आपका। और भाई दोस्तों आज ये गौ माता सेल के लिए है, सारी जानकारी भाई से लेंगे। भाई इस गौ माता का दूध का क्या कुछ रिकॉर्ड रहा है, क्या डिटेल है, और जो लैक्टेशन की आप बात करें, मिल्क टाइम पीरियड की, कितना लंबा इसका मिल्क टाइम पीरियड है, और अभी फिलहाल कौन से अपने बुल से ज्ञापन है, और ब्याने में कितना दिन बाकी है, सारी जानकारी आज भाई से लेंगे। विकास धीरज भाई राम राम। राम धीरज भाई एक बार अपनी गौ माता की सारी डिटेल दे आप। भाई साहब इसका नाम है रामू। रामू रामो रामो हाँ रामो। और नाम को समझती भी है और स्वामी भक्त भी गाय है। स्वामी भक्त आप कैसे कैसे कह सकते हैं भाई साहब? अब मैं इसके पास खड़ा हूँ, आप पास आओगे ना आपको आने देगी। मैं तो ऐसे खड़ा हूँ, चाहे मैं इसके नीचे बैठ जाऊं कुछ कर लूं, लेकिन आपको नहीं आने देगी इतनी जल्दी। इतना इसको ये महसूस नहीं हो लेगा ये मेरा रखने वाला है। और बेचने का ये है भाई साहब, अगर कोई अच्छा गोपालक होगा शौकिया तौर पे, अच्छा रखने वाला, मेरे पास ज्यादा हो रही है गाय, कोई जरूरी नहीं है कि बेचना है जरूरी है। अगर बिकती है तो ठीक है, नहीं तो कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। और ये प्रेग्नेंट है भाई साहब, थार पार कर बोल 10,000 एक से एसएजी का। एसएजी का? हाँ जी भाई साहब। धीरज भाई एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, अपने थार पार्कर से ये पता है क्या भाई साहब? अच्छा मेरे को हरियाणा मिला नहीं, और इसमें एक ये लगा लो, कुछ सरकारी डॉक्टर तो कहते हैं ये थार पार्कर में है, लेकिन इसमें ये 10% ये कमी है। वैसे है तो ये 90% हरियाणा, इसमें ये कमी है कि इसके जो सींग है ना वो इस साइड निकले हुए हैं थार पार में। हाँ, और इसके माथे में पोल है बिल्कुल नामात्र है, बस ये कमी है। और इतना जो जैसे हम्प है और इसका बॉडी स्ट्रक्चर है, पूछ लगा लो थार पार्कर की मोटी होती इसकी देखो। और सरकारी डॉक्टर ने इसमें एचएलडीबी में इसका दूध रिकॉर्ड करवाने के लिए पिछली बार में ट्राई करा, ऊपर तक बात करी लेकिन हो नहीं पाया। तो अपने घर पे कितना दूध दिया इसको माता? भाई साहब अपने घर पे दूध दिया इसने हाईएस्ट 14 लीटर। हाईएस्ट 14 लीटर? हाँ 14 ये लगा लो, 14+ लगा लो, 14 ही लगा लो आप, 14 लगा ले। हाँ, और पीक टाइम पे 14 दिया है? पीक टाइम पे इसने ये लगा लो दूध से तो अटती नहीं, अब ये लगा लो 15 दिन से छोड़ दी है। 15 दिन से? हाँ, वो भी जब छोड़ दिया, इसके नीचे बछड़ा था वो क्रॉस ब्रीड में आ गया था, वो भी कैसे आ गया था, मैंने रखवाया था इसका रामू का सिमन। और रामू का सिमन का आज काम है तो यकीन मानता नहीं ओरिजिनल है, यानी कि उसमें डुप्लीकेसी ज्यादा चली हुई है। डुप्लीकेसी ज्यादा है, वो अपन गौशाला में छोड़ दिया। उसके बाद में भी फिर इसने कई दिन तक निकाला, अब जाके इसकी ड्राई हुई है। तो भाई और शरीफ इतनी है इसका, चाहे न्याणा लगाओ, चाहे ना लगाओ, चाहे कुछ करो। और इसकी अभी ब्याने में कितने दिन बाकी? ये भाई साहब इस 29 तारीख को 8 महीने की क्या बनो जाएगी? 8 महीने। एक बार इसको थोड़ा सा गौ माता को चला के दिखाओ, चला के दिखा देंगे। और विकास भाई साथ में ये भी बताना आप कि जो हमने थार का जो सीमन का उपयोग किया है 10,001 का, हाँ जी, वो सिर्फ डॉक्टर के कहने पे किया या नहीं, अपने उससे अपने उससे? हाँ, की भाई चलो एक बार ट्राई करके देख लेते, जैसे हरियाणा के तो इसके मैंने इसके बच्चे लिए प्योर आ रहे हैं, और थार का ये ऐसे ट्राई करने के लिए लिया कि थार का कैसे कितना रिजल्ट आता है इसमें, कितना रिजल्ट आता है। हाँ हाँ। और भाई किसान साथियों धीरज भाई, और थार भी कोई क्रॉस ब्रीड तो है नहीं भाई साहब, इसका सेम ही है। मतलब ये लगा लो 20-30% का फर्क है, वो भी जानने वाले बता सकते हैं, थार पार करो और हरियाणा में फर्क। हरियाणा में फर्क, हाँ जी भाई साहब। बाकी सब ना दवाई बात है, सारी देसी। हाँ सफेद दिखगी तो वो सारी देसी, सारी देसी। तो भाई दोस्तों ये गौ माता भाई ने बताया कि मैं उसे ही दूंगा जो अच्छा गोपालक होगा, रखने का इच्छुक होगा, जो भाई इसकी कदर करेगा। हाँ। यो नहीं कि भाई किसी ने भी दे दी और बाद में मेरी गौ माता की कदर घटेगी। हाँ, हाँ। और देख रेख ना हो, सुंदरता देखिए भाई इस गौ माता की, अपने आप में देखने में बनती है एक अच्छी क्वालिटी की गौ माता, अपना भारतीय मूलतः नस्ल की देसी गौ माता। और दूसरी भाई ने बताया 10% सिर्फ 10% इसमें थार की झलक थी,
इस वजह से मैं भाई ने सोचा कि मैं प्योरिटी ऑफ थार का जो सीमन है वो इस्तेमाल करूं ताकि बछड़ा जो है वो आगे प्योरिटी में आ जाए। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरी बात भाई, भाई ने एक और अच्छी बात बताई कि भाई रामू बुल के सीमन का देख के तसल्ली करके इस्तेमाल करें। हाँ जी भाई साहब, क्योंकि मैंने बात हुई थी जो रामू बुल जिनके पास था डेरा सच्चा सौदा में, उनकी देख रेख कर रहे हैं शर्मा जी। हाँ जी हाँ, तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि मैंने जब वो सेल किया था जब उसने सीमन देने बंद कर दिए। अच्छा, डेरा सच्चा सौदा से रामू बुल को जब सेल कराया गया था जब उसके सीमन देने बंद कर दिए, तो सीमन देने बंद कर दिए तो वो वहां जाके कैसे सीमन दे रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है भाई साहब। यानी कि भाई किसान साथियों, आप लोगों का जागरूक होना भी उतना ही जरूरी है जितना आप धीरज भाई ने बताया कि भाई सोच समझ के ले। दोस्तों एक मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी सीमन के ऊपर ही, उस चीज का भी विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भाई आपका सीमन किस क्वालिटी का है। वजह तो ये हो रही है कि सीमन का पता ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ 20% तो जागरूक होंगे, मैं मेरे गांव की कह रहा हूँ, मेरे गांव में कोई ऐसा बंदा नहीं सीमन को देख के पड़ गया ये बता दे फलाने बुल का है। हाँ, बस स्ट्रो देखिए, स्ट्रो को भी नहीं देखते भाई साहब, डॉक्टर को बोल दिया सीमन रख देगा नहीं, ना तो ये पता कौन से बुल का है, क्या रिकॉर्ड है, क्या नहीं है। अपा ये चीज करते नहीं, अपा जो मतलब सिलेक्टिव हो जाए कितने पैसे लग जाओ। अब जैसे मेरी जो जन्म से अंधी गाय है उसके मैंने सीमन रखवाया S34 का, साहिवाल का S34 जो बुल फिलहाल है नहीं, ओरिजिनल के लिए मैंने उसके आई करवाने में 5,000 रुपए लगा दिए भाई साहब। और इच्छा अगर बछड़ी दे दे तो बहुत अच्छा हो। रुक जा। और धीरज भाई अगर आप इसकी बात करें ब्याने में कितना टाइम पीरियड अभी इसका? ब्याने में लगा लो भाई साहब इसके करीब करीब 1.5 महीना। 1.5 महीना अभी इसका बाकी। हाँ हाँ, और उत्तर ये 5-6 दिन लेती है। ये आपने कितना दूध तक ड्राई करी थी आपने? या भाई साहब दूध से ड्राई की थी 4 किलो से। 4 किलो से, यानी कि अगर दूध देने के जो टाइम पीरियड है काफी लंबा, 1-1.5 महीने से इसका जो चाट वगैरह वो बंद करके फिर इसके बछड़े को गौशाला में छोड़ दिया जब जाके ड्राई हुई थी, जब जाके देती रहती। एक यानी कि लैक्टेशन पीरियड काफी अच्छा है। हाँ हाँ, अच्छा। अब धीरज भाई बात आती है इसकी प्राइस की। भाई प्राइस भाई साहब वैसे तो देखो गाय का कोई प्राइस होता नहीं, ये अनमोल चीज है, लेकिन अच्छा कोई गौ सेवक होगा तो 45,000 रुपए की दे देंगे। 45,000 रुपए में गौ माता आप दे दोगे? दे देंगे भाई। तो यानी कि भाई देंगे उसको जो गौ सेवक होगा, किसी को देंगे ना हरियाणा से बाहर देंगे भाई। ना हरियाणा से बाहर देंगे। हाँ भाई, ऐसी जगह देंगे कल को हम हमारी गाय को देखने चले जाए। हाँ, देखने और इच्छा हो जाए कल को मेरे पास वो हो जाए तो मैं ले भी लूंगा। ले भी लो ऐसी कोई, यानी कि ऐसी जगह देंगे जहाँ से हमें मिल भी जाए और एक अच्छे घर में जाए। हाँ। ताकि गाय को भी ये ना लगे कि भाई मेरी कदर घट गई। हाँ। यानी कि वो गाय को भी ये महसूस होए कि मैं पहले से भी अच्छे वाली जगह आई। बिल्कुल बिल्कुल, गाय को भी अच्छा लगे और भाई जितना गोमाता खुद के लिए अच्छा फील करेगी उससे ज्यादा सुख समृद्धि वो अगले के घर में देती है। अगर भाई दोस्तों हम बात करें इसकी अडर क्वालिटी की, तो दोस्तों आप देख सकते हो एक हैवी अडर क्वालिटी के साथ गोमाता है, यानी कि अभी सलबटे हैं और अभी लोटी निकालने का टाइम पीरियड नहीं आया है, उसके बावजूद भी आप देख सकते हो सराफत देखिए भाई गौ माता की। आप ये देखिए भाई, इससे ज्यादा सराफत तो बहुत कम देखने को मिलती है और जैसे सुंदरता की मूर्त जिसे हम बोल देते हैं भाई ये गौ माता वो है। और ये सेल के लिए है मात्र 45,000। हाइट मीडियम है भाई साहब इसकी। हाइट मीडियम है, कोई ये मानने की ज्यादा बड़ी हाइट की है, मीडियम हाइट की है, जो एक एवरेज हाइट होती है ना वो है। हाँ, जो गाय की एक एवरेज हाइट होती है उस गाय में। लेकिन अगर हम सुंदरता की बात करें ना धीरज भाई, भले ही हाइट इसकी एक मध्यम हो लेकिन सुंदरता काफी लाजवाब है। जो आप कह दे इतनी सुंदर और लाजवाब गौ माता मात्र और मात्र 45,000 में किसान साथियों आपकी होगी। और दोस्तों वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों। राम राम भाई, राम राम भाई, क्या हुआ परेशान लग रहे हो? भाई सब कुछ खिला दिया और सभी तरह का फीड भी, मगर गाय तंदुरुस्त नहीं लग रही। स्काईलार्क फीड खिलाओ गाय को। क्या फायदे है स्काईलार्क फीड के? स्काईलार्क फीड के फायदे: बाईपास फैट सहित दूध उत्पादन व प्रजनन प्रणाली में सुधार, विटामिन और पोषक तत्वों से भरपूर, एक समान स्वाद और गुणवत्ता वाली फीड। स्काईलार्क फीड खिलाओ और पशु को हर बीमारी से बचाओ और दूध की क्षमता बढ़ाओ। थैंक यू भाई स्काईलार्क के बारे में बताने के लिए। आज से मैं स्काईलार्क का फीड ही यूज करूंगा। और भी अच्छे अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, आप इनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो www.skylarkfeeds.com और इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। संपूर्ण पोषण दूध की बहार।